उकाया फ्रीडम के संग 11 करोड़ से भी ज्यादा भारतीयों का भरोसा उकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल। देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना शांडिल्य। बहुत स्वागत है आपका अपना बिहार में। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हम खबरों की सुर्खियों पर। आरा में एमएसएमई एक्सपो मेले का हुआ उद्घाटन, उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने किया संवाद, उद्यमियों के साथ किया संवाद। आरजेडी का प्रदेश सरकार पर हमला, भागलपुर ब्लास्ट से सरकार का नहीं कोई मतलब, वही सरकार सिर्फ शराबबंदी पर दे रही है। मुंगेर में आरजेडी नेता से रंगदारी की मांग, नक्सलियों का हवाला देकर मांगी गई रंगदारी, आरजेडी नेता ने केस किया दर्ज। औरंगाबाद में विधान परिषद चुनाव, वही चुनाव के लिए 16 से होगा नामांकन, स्थानीय निकायों के 3427 वोटर करेंगे। मोतिहारी में पत्रकारों पर झूठा केस हुआ दर्ज, झूठा केस दर्ज करने से आक्रोशित हुए पत्रकार, धरने पर बैठे पत्रकार। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। आरा के रमना मैदान में 4 दिवसीय बीसीसीआई नेशनल एमएसएमई एक्सपो मेले का उद्घाटन शुक्रवार को हुआ। मौके पर उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने उद्यमियों के साथ संवाद भी किया। वहीं डांस ऑफ लाइफ के कलाकारों ने गणेश वंदना की प्रस्तुति की। बता दें आपको कि इस मेले में 50 से ज्यादा स्टॉल भी लगाए गए हैं और वहीं इस दौरान स्टॉल पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। स्टॉल पर दवा से लेकर कृषि से लेकर स्वरोजगार से संबंधित कई जानकारियां भी स्टॉल पर दी जा रही थी। इथेनॉल पर सरकार घिरी, लोगों ने पूछा कहां कहां लगा है इथेनॉल प्लांट, और ऐसे जो जिनको कम दिखता है जिन विधायकों को, उनको आरा में आकर दिखा दीजिए, भोजपुर में, उनको गोपालगंज में दिखा दीजिए, उनको पूर्णिया में दिखा दीजिए, उनको गोपालगंज में 2, भोजपुर में 1, पूर्णिया में 1, ये चारों प्लांट लग गया। पेप्सी का नाम पे लग गया, सीएम साहब से उद्घाटन का समय मांगा है, सीएम साहब ने 7 अप्रैल का दिया है, तो ये सब काम हो गया। फिर भी हम नहीं बैठे विधानसभा में, कोई सोचा होगा कि पूछ लें, विधानसभा का जवाब हम यहीं से दे रहे हैं, जिनको नहीं दिखता है भोजपुर में आकर। वही उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन मीडिया से मुखातिब हुए और आइए आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा है उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने। उद्यमी तो 21,000 तो हमारे उद्यमी हैं, जिनको हम लोगों ने 10-10 लाख रुपए दिए हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन में बहुत से लोगों को मदद की है और उद्योग को हम लोग तेजी से लगा रहे हैं। सर एक सवाल और है, रूस यूक्रेन की युद्ध की वजह से व्यापार पर बहुत काफी असर पड़ेगा, एमएसएमई जैसे छोटे उद्योग बनते हैं उसमें काम करते हैं, उनका सबसे ज्यादा सर इसमें प्रभाव पड़ेगा, तो क्या उसके लिए तैयार है? देखिए यूक्रेन रूस युद्ध का असर पूरे दुनिया पे है, पूरी दुनिया उससे प्रभावित हुई है और इसलिए यूक्रेन और रशिया का जो लड़ाई है उसमें सबसे बड़ा नुकसान तो तेल की कीमत का है, तो पूरी दुनिया पे असर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ग्लोबल लीडर हैं, उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए आज बिहार और पूरे देश के बच्चों को यूक्रेन से बाहर लाए। भागलपुर में देर रात कोतवाली थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर एक मकान में जबरदस्त धमाका हुआ। आशंका जताई जा रही है कि बम विस्फोट की वजह से यह धमाका हुआ है। वहीं 1-3 मंजिला मकान भी जमींदोज हो गई। घटनास्थल काजौलीचलक इलाके में
यतीमन खाने के बगल की बताई जा रही है। वहीं पड़ोसी की माने तो जमींदोज हुए मकान में मकान वाले बम बनाने का धंधा करते हैं। आरोप जांच का विषय है। बता दें आपको कि भागलपुर के जेएलएन अस्पताल मायागंज में 7 लोगों को गंभीर अवस्था में भर्ती कराया गया, जबकि बाहर 2 लोगों के शव यूं ही पड़े थे। घटनास्थल पर रेस्क्यू जारी है। वहीं भागलपुर विस्फोट मामले में अब तक मृतकों की संख्या 12 पहुंच चुकी है। रात में कतारपुर थाना क्षेत्र में एक घर में विस्फोट की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस को यहाँ आने पर पूरे स्थल का मुआयना वरीय पुलिस अधीक्षक जिलाधिकारी भागलपुर सभी लोगों ने किया है और एक घर जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो गया है। और अभी हम लोग डिटेल्स इकट्ठा कर रहे हैं कि कितने लोग इस घर में थे और अभी काम चल ही रहा है, सफाई का, मलबे की सफाई का काम चल रहा है, तो बहुत स्पष्टता नहीं है कि अब पूरी घटनाक्रम जो है उसके संबंध में विस्तृत आपको कुछ बताया जा सके। हुई है ब्लास्ट की घटना और इसमें जो अभी प्रथम दृष्टया जो हम लोगों को पता चल रहा है कि पटाखा बनाने में ये पूरा परिवार लगा हुआ था। पहले भी इस तरह की घटनाएं कम स्केल पर यहाँ हो चुकी है, तो ये सब जांच का विषय है और इस पर जो भी आगे कार्रवाई होगी। अभी 9 लोग इंजर्ड हैं और संख्या ये अभी बढ़ भी सकती है। नौ से 10 लोग जो है उसमें 2 डिसीज्ड भी हैं जिनकी मृत्यु हो गई है। इसमें भी जो है जो मृतक है उनकी भी संख्या जो है वो बढ़ सकती है, हम लोग कन्फर्म कर रहे हैं। सर कितने घरों को नुकसान हुआ है? सर नुकसान जो है 2 घर का हम लोग देख रहे हैं, 2 से 3 घर का। तो अभी डिटेल सारा हम लोग इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं, फिर इसके बाद आप लोगों को जिस तरह से आवाज है सर ये विस्फोटक की जो है ये क्या लगता है? जांच का विषय है। अभी जो प्रथम दृष्टया जो पता चल रहा है कि पटाखा जो आसपास के लोग भी बता रहे हैं और पुराना जो इतिहास भी रहा है इस परिवार का और यहाँ पे जो पता चल पा रहा है अभी वो भी डिटेल जांच के बाद ही हम लोग कुछ बता पाएंगे। बीती रात भागलपुर में हुए एक मकान में ब्लास्ट मामले को लेकर आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सरकार को इन सब मामलों में कुछ लेना देना नहीं है, सरकार सिर्फ जुमलेबाजी करने में लगी है। वहीं अपराध बढ़ते जा रहे हैं लेकिन सरकार सिर्फ शराब पर सभी प्रशासनिक अधिकारी को लागू कर मौन है। आगे उन्होंने सरकार के ड्रोन और हेलीकॉप्टर के सहारे शराब माफियों पर नकेल कसने के तंज पर कसते हुए उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जुटाने में लगी हुई है। ये सब जुमला है और हमको लगता है कि इसी के माध्यम से बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई का लूटने का प्रयास किया जाएगा। जब ड्रोन से और ये सब शराबबंदी जब आपका है तो आप निश्चित रूप से हम लोगों ने साथ दिया था, मानो श्रृंखला बनाया था, लेकिन आज के डेट में आपके पदाधिकारी जो रिश्वत लेकर आप ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं वही शराब का खेप पर खेप मंगवा रहे हैं और आपके बाजू में बैठने वाले शराब माफिया के देखरेख में ये सब धंधा चल रहा है। आप उस पर लगाम लगाने का काम कीजिए, बिहार की जनता का गाड़ी कमाई का पैसा लुटाने का काम मत। मुंगेर में आरजेडी नेता से रंगदारी मांगने का मौका मामला सामने आया है। बता दें आपको ताजा मामला मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां नक्सलियों का हवाला देकर आरजेडी नेता हर्षवर्धन सिंह से हथियार के बल पर 20 लाख रुपए रंगदारी की मांग की गई है। इस संबंध में आरजेडी नेता हर्षवर्धन सिंह ने खड़गपुर थाना में लिखित आवेदन भी दिए हैं, जिस पर थानाध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार पांडे ने बताया कि आरजेडी नेता के आवेदन पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। दो लोग आकर के हमारे गाड़ी को रोक दिए, जो है कि हमारा जहाँ डेयरी फार्म चलता है वहां पर रास्ते में रोक करके बोले कि 20 लाख रुपया कल तक दीजिए, नहीं तो 200 आदमी के साथ आएंगे और घेर करके मार देंगे। नक्सली का हवाला दिए, चीज किए और उसका अपना नंबर लिखाए, नंबर लिखा के चल गए। हम थाना में आवेदन दिए हैं इसके लिए, जो है कि अब जो है कि आगे तक इसके लिए जाएंगे, जो है कि जो करना है जो है कि।
बिहार विधान परिषद के स्थानीय निकाय कोटे की रिक्त औरंगाबाद समेत 24 सीटों के चुनाव के लिए निर्वाचन प्रक्रिया शुरू हो गई है। औरंगाबाद के प्रभारी जिलाधिकारी सह अपर समाहर्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि स्थानीय निकाय कोटे के बिहार विधान परिषद की रिक्त सीटों के चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने प्रेस नोट जारी कर दिया है। इसके साथ ही चुनावी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग 9 मार्च को चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा। इसी दिन से नामांकन भी शुरू हो जाएगा जो कि 16 मार्च तक जारी रहेगा। 17 मार्च को नामांकन पत्रों की समीक्षा होगी और उम्मीदवार 21 मार्च तक प्रत्याशी नामांकन वापस ले सकेंगे। वहीं 4 अप्रैल को मतदान होगा और मतदान गणना 7 अप्रैल को होगी और ये पूरी चुनावी प्रक्रिया 11 अप्रैल को संपन्न हो जाएगी। में रिकॉग्नाइज हमारे नेशनल स्टेट पार्टी वगैरह जो हैं उनके लिए प्रस्तावक एक रहेंगे और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के लिए प्रस्तावक 10 होते हैं। 10 प्रस्तावक होते हैं। प्रस्तावक हमारा संबंधित जिले का ही होना चाहिए, दूसरे जिले का नहीं होना चाहिए। एमएलसी के चुनाव में वोटिंग बैलेट पेपर जो होता है वो पेपर का होता है, मैनुअल होता है और ये प्रिफरेंशियल वोटिंग होता है। मान लीजिए कि हमारे यहाँ 5 कैंडिडेट खड़े होते हैं तो प्रत्येक का नाम चिन्ह वगैरह इसमें नहीं होता है, नाम और 1, 2, 3, 4, 5 क्रम रहता है। जिसको भी आप चयन करना चाहते हैं, प्रिफरेंस अगर देना चाहते हैं, फलना बी को अगर देना चाहते हैं तो बी के आगे 1 लिखिएगा। सेकंड आप चाहते हैं सी तो सी के आगे 2 लिखिएगा। ई को चुनना चाहते हैं तीसरे नंबर पे तो 3 आप ई को कीजिएगा। तो मोतिहारी के केसरिया प्रखंड सभागार भवन में पंचायत समिति सदस्यों की पहली बैठक हुई। यह बैठक प्रखंड प्रमुख आलिया प्रवीण की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत में मौजूद जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के बीच एक दूसरे का परिचय भी कराया गया। इसी जनप्रतिनिधियों ने प्रखंड क्षेत्र के विकास के लिए कई प्रस्ताव भी दिए। वहीं बैठक को बीपीआरओ राजेंद्र राम ने संबोधित करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों अपने क्षेत्र के सभी आम और खास लोगों को साथ लेकर चलें, सभी के साथ मिलजुल कर चलने पर ही विकास की गति बढ़ सकती है। प्रथम मुद्दा था वर्ष 2022-23 की योजनाओं का चयन और विभिन्न विभागों से हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों की बहुत से आग्रहण से था और विभाग से संबंधित लोगों से पूछताछ की गई माननीय जनप्रतिनिधियों से और समस्याओं का समाधान किया गया। इसमें क्या निष्कर्ष निकला सर? निष्कर्ष निकला कि जो संबंधित विभाग के पदाधिकारी गणाए थे उनके विभाग से संबंधित अगर हमारे माननीय जनप्रतिनिधि द्वारा कोई सवाल पूछा गया तो कुछ समाधान तो निकल गया उन्होंने इसको था। कुछ के बारे में आदेश दिया गया कि अगली बार से जब बैठक में आए तो पूरे तैयारी के साथ आए। यूक्रेन में फंसे आरा कतेरा निवासी डॉक्टर शशिधर पांडे के बेटे सत्यमराज अपने घर जैसे ही पहुंचे तो मानो पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। आसपास के लोगों ने सत्यम का स्वागत किया। मां और पिता ने जब बेटे को सामने देखा तो उनकी आंखें भर आईं। मौके पर सत्यम ने यूक्रेन के तबाही के बारे में भी बयां किया। यूक्रेन और रूस के बीच लगातार जंग जारी है, ऐसे में भारतीय कई छात्र वहां पर फंसे हुए हैं, लेकिन इसके साथ ही कई भारतीय छात्रों की वतन वापसी भी हो रही है। इसी में सत्यम की भी वतन वापसी हुई है। सत्यम आरा का रहने वाला है जहां पर घर वापस होने के बाद मां और पिता की आंखें भर आई। मां और पिता ने जैसे ही अपने बेटे को सामने से देखा उनकी आंखें नम हो गई। मौके पर सत्यम ने यूक्रेन में तबाही के बारे में भी बताया। ग्रामीणों ने सत्यम का स्वागत किया, साथ ही घर वालों ने सत्यम को देखकर आंखों में पानी भराए। वही मौके पर सत्यम ने यूक्रेन के तबाही के बारे में भी बयां किया।
इससे वहाँ पे वालमार्ट जगह का नाम है वहीं पर एयरबेस है, तो वहीं पे मेरा रूम था, तो हम अकेले रहते थे, सीनियर भैया के रूममेट थे तो थोड़ा डरे हुए थे, तो अपने दोस्त के साथ शिफ्ट हो गए थे, तो हम बोले कि बम गिरना होगा तो कहीं भी गिर जाएगा, पहले से अंदेशा मतलब होगा आपको, एक महीना पहले से अंदेशा सबको पता था कि वार छिड़ने वाला है, कोई सीरियस नहीं ले रहा था कि मतलब कब छिड़ जाएगा, मतलब ऐसा नहीं होता कि बता के कोई बम छोड़ेगा, ये सब मतलब बातचीत से बस सॉल्व हो जाएगा, सबको यही सोच रहा था। बेटा यूक्रेन में फंसा था और मैं न्यूज देखी कलकत्ता में, मैं अपनी लड़की के यहाँ गए थे, मेरी बेटी का BHMS का लाइसेंस लेना था हॉस्पिटल गए थे करने के लिए, वहाँ मैं न्यूज देखी और वहाँ न्यूज देखी तो मेरा हालत बहुत खराब हो गया, वहाँ से मैं टिकट करा के यहाँ आई और यहाँ आई तो यहाँ भी न्यूज देखते थे लेकिन मोदी जी के खास करके, और यहाँ का बिहार के लोग जितना मैंने ये किए लोग नेता लोग, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बहुत मुझे अच्छा लगा कि ऐसे नेता हमारे देश में हैं। सुगौली के स्थानीय पत्रकार अमित कुमार सिंह और मुन्ना कुशवाहा पर बिना जांच रंगदारी सहित अन्य आरोपों में केस दर्ज करने के पत्रकारों में आक्रोश का माहौल है। वहीं गुस्साए पत्रकारों ने थाना परिसर में धरना देकर पत्रकारों से आपराधिक छवि के थाना क्षेत्र के श्रीपुर विष्णुपुर निवासी शंभु साह के बेटे ब्रज किशोर गुप्ता और उनके परिजनों के द्वारा बदसलूकी करने की निंदा की है। वहीं पत्रकारों ने आरोपी की पत्नी बिंदु देवी द्वारा किए गए झूठे मुकदमे को निरस्त करने के साथ ही अभद्रता करने के सभी आरोपियों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं पत्रकारों ने मांगों को लेकर उदासीन रवैया से आहत होकर शांतिपूर्ण धरना दिया। इस दौरान इंस्पेक्टर अभय कुमार से 3 दिन पत्रकारों ने उनसे भी बातचीत की। खबर मोतिहारी से है जहां पत्रकारों पर झूठा केस दर्ज किया गया है। झूठा केस दर्ज करने से पत्रकार आक्रोशित होते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार पत्रकार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार धरने पर पत्रकार बैठे हुए नजर आ रहे हैं। बता दें आपको सुगौली के स्थानीय पत्रकार अमित कुमार सिंह और मुन्ना कुशवाहा का बिना जांच रंगदारी सहित अन्य आरोपों के केस दर्ज करने से पत्रकार काफी आक्रोश में है और पत्रकारों में आक्रोश का माहौल है, जिसके साथ ही पत्रकारों ने धरना प्रदर्शन दिया है। धरना का मुख्य उद्देश्य पत्रकार पर, दो पत्रकार हैं यहाँ, उन लोगों पर गलत FIR किया गया है। एक तथाकथित नेता के द्वारा घटना का कारण नेता और एक स्कूल के प्रधानाध्यापक के बीच झड़प हुई, जिसकी खबर दो पत्रकारों ने चलाया प्राथमिकता देते हुए। उसके बाद नेता के द्वारा दोनों पत्रकारों को धमकी दिया जाने लगा, जिसके विरुद्ध पत्रकार ने FIR कराया। FIR होने के 4 दिन बाद प्राथमिकी दर्ज, आरोपित की पत्नी ने दो पत्रकार जिसमें एक अमित कुमार सिंह और दूसरा मुन्ना कुशवाहा पर प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। हम लोग उस प्राथमिकी के खिलाफ, जो फर्जी प्राथमिकी दर्ज की है, उसके खिलाफ हम लोग आज धरना पर बैठे हुए हैं। औरंगाबाद में एक मजदूर को अपनी मजदूरी मांगना महंगा पड़ गया। मजदूरी मांगने पर न सिर्फ मालिक ने उसकी जमकर पिटाई की बल्कि उसे छत से फेंक दिया। मालिक द्वारा किए गए इस बर्बरतापूर्ण हरकत से मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसका हाथ पैर टूट गया है। मजदूर के ऊपर हुए जानलेवा हमले की घटना के 2 दिन बाद तक कोई पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। साथ ही बता दें आपको कि घायल मजदूर के परिजनों और ग्रामीणों ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर न सिर्फ इस घटना में शामिल लोगों की गिरफ्तारी की मांग की बल्कि उचित मुआवजा दिलाने की गुहार भी लगाई है। कोई गिनती ना है मजदूर आदमी के, कितना छोटा तक गोड़ से जूता है किसी आदमी के कि घिसिया के चलेगा। कमाने खातिर भी ये हाल हो रहा है, गोड़ तोड़ रहा है, हाथ तोड़ रहा है, कमर तोड़ रहा है, कैसे मजदूर आदमी कमाएगा खाएगा। आज क्या हुआ? आज क्या हुआ? यहाँ आया है यह के लिए कि मजदूर आदमी चूल्हा पर
मसला चढ़ा लेते हैं तो मजदूरी करने जाते हैं, तो मजदूरी लानते हैं तो बना के खाते हैं, ठीक ना। तो मजदूरी नहीं मिला तो मांगने गया, वो है के चलते मार हुआ, घर में बंद करके मारे हैं। कमा रहा था, 7 दिन कमाया, 7 दिन के मजदूरी जोड़ के वो मांगा लड़का, और घुरा अति न मजदूरी नहीं दिया, और नहीं दिया तो घूर गया कि नहीं दीजिएगा तो छोड़ दीजिए, नहीं दीजिए हमला जा रहे हैं घर। कुछ दूर 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 चला गया तो उसको बुला करके, और दो लड़कन, एगो संतु सिंथिया और एगो दूसरा आदमी था, वह दोनों मिल करके सीटी लगा के कर गया ठेकी और मारा, और छत से नीचे फेंक दिया। यहाँ हम मांग खाते आए हैं, एसपी साहब के साथ। क्या मांग है भाई? हमको मांग यह है कि अरेस्टिंग हमरा उसको चाहिए सजाई। जी, 28 फरवरी की घटना है, मदनपुर थाना अंतर्गत, राकेश कुमार नाम के व्यक्ति हैं, वजीदगंज के, वकीलगंज के, इनके साथ मारपीट की घटना हुई है। इसमें तत्काल ही इन्होंने FIR दर्ज कर लिया गया है, दो व्यक्तियों के खिलाफ, और इसमें DSP सदर जाके जांच कर लिए हैं, और उनके रिपोर्ट के अनुसार हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे, और जो दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो विशेष कानून है उसके अंतर्गत हम लोग कंपनसेशन के लिए जो होता है हम लोग जिला कल्याण अधिकारी को लिखेंगे और उनसे बात करके त्वरित इनको अनुदान जो मिलता है वो दिलवाया जाएगा। मुंगेर के धरहरा थाना क्षेत्र अंतर्गत इटवा के कठोतिया बहियार स्थित कुएं से धरहरा थाना पुलिस ने परिजनों की सूचना पर 25 साल के मजदूर का शव बरामद किया। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है, वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं बता दें आपको कि धरहरा थाना पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच में पुलिस जुट गई है। खबर मुंगेर से है, जहां कुएं में मजदूर के शव मिलने से गांव में हड़कंप मच गया है। साथ ही शव मिलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बता दें आपको 25 साल के मजदूर का शव मिलने से गांव में हड़कंप मचा हुआ है, गांव में सनसनी का माहौल है। वहीं परिजनों ने आशंका भी जताई है। घटना के बाद से परिजन लगातार रो रहे हैं, परिजनों का लगातार रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आप कर रहे हमारा यहाँ के बतेल के पौने चार बजे भोर के कि तोर बेटा का मार के फेंक दिल कुइयां में, और हमरो कुइयां में फेंक दिल के बाद हम कुइयां से निकल के अलिये यहाँ पर तोरा कह चल चलो हो तोर बेटा का मार के फेंक दिल को देखा है। तो गेलिए वहाँ पर देख के अलिये, वहाँ पर 5 आदमी लेकर गेलिए देख रहा के अलिये, फिर भोर के गेलिए फिर देख के अलिये। क्या देखे हो? खाली देख ली कौन जी झोला वोला बैग उग नया है, खाली कोई मामा चप्पल दुको उपलाय है। हाथीदा टाल क्षेत्र में रेलवे लाइन के पास गड्ढे से एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान हाथीदा के ही बाटा मोड़ निवासी विश्वनाथ महतो के रूप में हुई है। परिजनों ने युवक की हत्या होने का भी आरोप लगाया है। वैसे विश्वनाथ महतो अवैध शराब के धंधे में संलिप्त बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और पुलिस ने आगे की तफ्तीश में शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच शुरू कर दी है। रेलवे लाइन के पास शव मिला, जिसके बाद विश्वनाथ महतो के रूप में शव की पहचान की गई है। साथ ही बता दी कि आगे पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ग्राम हथदह के सामने बेगूसराय पटना रेलवे लाइन के दक्षिण लगभग 100 मीटर की दूरी पर गड्ढा में भरे पानी में एक शव बरामद हुआ। पहचान हुई? जिसका पहचान विश्वनाथ मातो पेसर स्वर्गीय वाल्मीकि मातो साकिन दरगाही टोला वार्ड नंबर 6 हथदे के रूप में हुआ है।
मृत्यु का कारण? मृत्यु का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। आरा शहर के प्रखंड कार्यालय परिसर में शुक्रवार की दोपहर हथियारबंद बदमाशों ने पंचायत समिति सदस्य को गोली मार दी। बता दें आपको कि पंचायत समिति सदस्य को काफी करीब से 3 गोली मारी गई है। वहीं युवक को 2 गोली हाथ में लगी है। वहीं जख्मी को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया जहां उसका इलाज जारी है। वहीं गोलीबारी की घटना के बाद बदमाश भाग निकले, इस स्पष्ट कारण पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। खबर भोजपुर से है जहां आपको बता दें कि हथियारबंद बदमाशों ने गोली मारी। वहीं पंचायत समिति सदस्य को हथियारबंद बदमाशों ने गोली मार दी जिसके बाद आरोपी ने गोली मार दी जिसके बाद युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस जुट गई है जहां आपको बता दें कि गोली लगने के बाद इलाज जारी है। वहीं गोली लगने की घटना के बाद बदमाश वहां से फरार हो गए। इस मामले में अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर लगातार छानबीन कर रही है। कार्यालय के बगल में ही, कार्यालय के कैंपस में ही गोली चली है। ब्लॉक में? ब्लॉक, हमारा ब्लॉक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जिनको गोली लगी वो क्या है? पंचायत समिति के सदस्य हैं। और पंचायत समिति के सदस्य हैं। और इस सरकार में आप लोग देख लीजिए कि खेता हुआ जमीन प्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार। एक्शन टेसा बॉयलो बीडब्ल्यूपी बोर्ड, खाते ही हमारे दांत गए टूट, हमारी तो फौजों के प्राण गए छूट।